फलों के राजा आम का आगमन हो गया है और आज इस पके हुए आम से एक बहुत ही लाजवाब सी स्वीट डेजर्ट बना के तैयार करेंगे हम, जो आप बहुत ही झटपट 5 मिनट में बस बना के तैयार कर सकते हो। तो इन गर्मियों में, गर्मियां आते ही आम आने लगते हैं और पके हुए आम से एक बहुत ही शानदार डेजर्ट आप बना सकते हो मेरी रेसिपी को देख के। तो लाइव वीडियो में मैं आप सभी के लिए आज बहुत ही खास रेसिपी लेके आई हूँ। तो एक आम को देखिए मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में फिर इसका पल्प इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं मुझे कमेंट में अपने सिटी का नाम लिख के जरूर बताइएगा। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं स्मृति आप सभी के लिए एक क्विक डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज मैं। तो यहाँ पे देखिए पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाल के गरम कर लिया है और घी जैसे ही गरम हो जाएगा ना हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप सूजी। तो आप बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हो। सूजी को हमें अच्छे से भूनते हुए पकाना है। तो जैसे हम हलवे के लिए सूजी भूनते हैं ना उसी तरीके से हमें यहाँ पे सूजी को भूनना है। तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो पे रखिएगा और इसको चलाते हुए अच्छे से भून लीजिएगा ताकि सूजी जो है वो जले भी ना। तो हमारे साथ शालिनी जी जुड़ी हैं, जहरा हुसैन जी जुड़े हैं, थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोगों को दोस्तों पके आम अगर खाना पसंद है तो आप इस क्विक डेजर्ट को जरूर बना के ट्राई करना, आप सबको घर वालों को बेहद पसंद आएगी। और आप मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों घर वालों के साथ भी अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करना। तो इसके साथ ना हम अभी थोड़े से नट्स भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, इनको बारीक बारीक काट ले या फिर आप इसको कूट ले। और देखिए काजू बादाम को भी ना हमने यहाँ पे डाल दिया है ताकि ये भी अच्छे से सूजी के साथ ही भून जाए, अलग से भून के डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको सूजी के साथ ही भून सकते हो। तो आप लोग गेस भी कर सकते हो मैं यहाँ पे आज क्या बना रही हूँ, पके हुए आम से जो मैं डेजर्ट बना रही हूँ उसका नाम क्या है, आप नाम भी गेस कर सकते हो। और आपको वैसे कौन सा आम खाना पसंद है, कई सारी वैरायटी के गर्मियों में आम मिलते हैं तो आप अपना फेवरेट आम मुझे जरूर बताना लिख के कमेंट में। शालिनी जी हेलो आपको, जसवीर जी, सुनैना जी, हरीश जी, अंकिता जी, उमा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, थैंक यू। तो आप सब दोस्तों अपने सिटी का नाम भी जरूर लिखिएगा और आप सब रेसिपी के बारे में कमेंट जरूर करिएगा कि आप सबको कैसी लग रही है ताकि मैं आप सभी को थैंक यू कर सकूं। आप सबके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम रोजाना अच्छी अच्छी लाइव रेसिपीज आप सभी के लिए लेके आ सके ताकि आप घर बैठे हमारी रेसिपी देख के बना सको। यहाँ देखिए मैं लाइव वीडियो में बना रही हूँ तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लिया है ताकि सूजी जो है जल्दी से भून जाए। बस धीरे धीरे देखिए इसका कलर जो है ना सुनहरा होने लगा है। तो रोजाना दोस्तों मैं 12 बजे लाइव रेसिपीज लेके आती हूँ, आप अपना सूटेबल टाइम भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकती हूँ कि आप जिस टाइम, एक मेजोरिटी ऑडियंस अगर बताएगी मुझे कि इतने बजे लाइव करूं तो मैं उतने बजे का टाइम फिक्स कर लूंगी। अभी 11:30-12 बजे का टाइम मैंने रखा हुआ है। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको लाइव रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं लाइव करूं। तो आप इसी लाइव वीडियो में, मैंने कमेंट में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जरूर जुड़िएगा। तो देखिए सूजी भुनने में थोड़ा टाइम तो लेती है तो बस इसको आपको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी पूरा खत्म हो जाए। और जितनी अच्छी सूजी भूनती है ना उतनी ही बढ़िया, आप कोई भी सूजी के डेजर्ट बना लीजिए उतना ही बढ़िया इसका स्वाद आता है। तो बस लगभग हमारी सूजी जो है ना भुन गई है, अब हम
इसमें डालेंगे पानी। तो कप के नाप से या फिर ग्लास के नाप से हम इसमें, मैंने दो ग्लास पानी डाल दिया है। साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़े से 10 से 12 केसर के धागे भी डाल रही हूँ। अभी हमने पानी डाला है तो फ्लेम को ना हम लो पे कर देंगे, क्योंकि पानी जल्दी से सूखने लग जाता है और हमें सूजी को अच्छे से पकाना भी है। अजय जी जुड़े हमारे साथ, लिख रहे हैं आपकी मेहनत को सलाम। थैंक यू आपके सपोर्ट भरे कमेंट के लिए। आप सब ऐसे ही हमें अपना प्यार सपोर्ट देते रहे। यहाँ देखिए इसको हमें ना थोड़ा सा चलाते हुए पकाना है ताकि सूजी हमारी अच्छे से पक जाए। तो नॉर्मल सूजी का हलवा तो आप हमेशा बना के खाते होंगे, पर आज की जो सूजी के हलवे की रेसिपी है उसमें हम एक ट्विस्ट ऐड कर रहे हैं, जो कि है पके हुए आम का, जिससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। तो अभी रमज़ान के भी महीने चल रहे हैं, तो जो लोग रोज़ा कर रहे हैं वो भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ईद के मौके पे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए मीठेपन के लिए ना थोड़ी सी मिश्री ऐड की है, तो आप मिश्री की जगह पे 3-4 बड़ी चम्मच जितना आप मीठा कम ज़्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो बस इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे ताकि मिश्री जो है ना वो झटपट से जल्दी से घुल जाए। तो अगर आपको शाम के समय में छोटी भूख हो, मेहमान आ रहे हो, कुछ चटपटा मीठा खिलाना हो, तो आप ये सूजी के हलवे वाली मैंगो डेजर्ट जरूर बना के खिलाइएगा। आप इसको मैंगो हलवा भी कह सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप लोग गेस करना कि मैं आज क्या बना रही हूँ। देखिए सूजी धीरे धीरे ना पक के गाढ़ी होने लगी है। अभी इसी स्टेज पे ना हमने यहाँ पे जो मैंगो पल्प बना के रखा हुआ है एक आम का, वो हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें दूध वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें 1/4 कप जितना दूध भी ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे दूध नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए आम को भी ना हमें अच्छे से इसके साथ मिक्स करते हुए पका लेना है। तो करीबन आधा कप सूजी में मैंने ना 3/4 कप जितना ये आम का पल्प डाला है, तभी जो टेस्ट है ना वो आता है। सिर्फ आप मैंगो का हलवा तो बना नहीं सकते, उसके साथ कुछ बेस चाहिए, तो हमने यहाँ पे सूजी का यूज़ किया है, जिससे ना ये बहुत ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए इसको बस हम इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। तो विशाखा जी जुड़ी हमारे साथ, हेलो आपको। तो बस 1-2 मिनट हम इसको और पकाएंगे, फिर हमारा ये बहुत ही लाजवाब मैंगो हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो आप सबको दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही हो, माउथ वाटरिंग लग रही हो, तो आप सब शेयर जरूर करना और आप कमेंट करके जरूर बताना कि रेसिपी आप सबको कैसी लगी। थोड़ा सा हम इसमें ना फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे, जिससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और बस लीजिए हमारा ये मैंगो हलवा बनके तैयार है। आप इसको जैसे ही ठंडा करोगे ना, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा जैसे जैसे होता जाएगा ये और ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है। तो अभी मैं आपको इसको
सर्व करके दिखाती हूँ। बस हमारा हलवा यहाँ पे तैयार है। अजय जी पूछ रहे हैं इसमें लाल लाल क्या है। अजय जी हमने यहाँ पे मैंगो का पल्प डाला है, उससे इसका कलर हल्का सा ऑरेंज सा हो गया है। मंजू जी यमी लिख रही हैं, थैंक यू। तो गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। अब मैं बस आपको इस हलवे को सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आम काट के भी दिखाया था, और पहले मैंने पूरी वीडियो में ना आम काट के दिखाया था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे लाइव बंद करना पड़ गया था। तो यहाँ देखिए मैंने प्लेट भी लगा ली है, और यहाँ पे हम इसमें अपना जो हलवा है वो सर्व करेंगे। तो बहुत ही क्विक और बहुत ही यमी सी मैंगो हलवे की रेसिपी आप सब ट्राई जरूर करना। आप सब ट्राई करते हो और मुझे कमेंट में बताते हो कि आप सब ने ट्राई की और आप सबको पसंद आई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यानी कि हलवे को मैं ना मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। अब ऊपर से हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए इस पे पिस्ता और काजू बादाम डाल देंगे। तो लीजिए आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और ये मैंगो हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप सबसे दोस्तों। जाते जाते अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और आप मेरी रेसिपी को 10 में से कितने नंबर देंगे ये भी आप मुझे कमेंट करके लिख के बता सकते हो। संतना पाल जी लिख रही हैं वेरी टेस्टी, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सब ट्राई करना और मुझे बताना आप सबको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आप सबसे कल लाइव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।